नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे 21 दिनों का भारत के अंदर में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो जब हमने देखे तो मुझे ऐसा लगा कि यह तस्वीर, ये वीडियो ज़रूर आप तक पहुँचाना चाहिए। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने ये वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरा नज़रिया क्या है वो आपको बताना चाहता हूँ। कृपया करके उसे सुनने का प्रयास करें। जिस प्रकार से हमारे देश के नागरिकों को जो विदेश में रहते थे उन्हें लाया गया इस संकट की घड़ी में विमान के द्वारा और फ्री सुविधा के द्वारा, सरकार के प्रयास से उन्हें भारत में, अपने देश के अंदर में सुरक्षित लेकर आया गया। सवाल ये उठता है कि जब हम सड़कों पर देख रहे हैं, बिहार का, यूपी का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का या अन्य राज्य का व्यक्ति जो अन्य राज्य में नौकरी करने के लिए गया है, मजदूरी करने के लिए गया है, अपना पेट पालने के लिए गया है, वो सड़कों पे नज़र आ रहा है, वो बस का इंतज़ार कर रहा है, वो अपने घर जाने के लिए परेशान है, बच्चे लेकर, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अपने भाई बहनों को संभाल कर पैदल चल रहे हैं। जब उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा, दिल्ली में कुछ लोग जब सड़कों पे मिले, पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, उन्होंने जवाब दिया, किसी ने कहा कि हम यूपी जा रहे हैं, गाज़ियाबाद जा रहे हैं, किसी ने बताया कि हम बहराइच जा रहे हैं, किसी ने बताया कि हम बिहार वापस जा रहे हैं। आप उनकी जगह रह के सोचिए, जो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को, अपने पूरे परिवार को लेकर अपने घर वापस जाने के लिए परेशान है, भूखा है, और वे लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस हमें डंडे भी मार रही है। आप कहेंगे कि इन्हें अपने घर नहीं जाना चाहिए, कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही रुक जाना चाहिए। अब काम बंद है, उनकी दिहाड़ी बंद है, तो वो दिल्ली में कैसे रह पाएंगे। इसी कारण वो अपने घर वापस जा रहे हैं। सरकार को इनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अपने नागरिकों को विदेश से विमान के द्वारा, स्पेशल फ्लाइट के द्वारा भारत वापस ला सकते हैं, तो क्या इन गरीबों के प्रति दया नहीं दिखाना चाहिए सरकार को, प्रशासन को? बस हमारा इतना ही प्रश्न है, गरीबों की कोई सुध क्यों नहीं ले रहा है? हमें आशा है कि इन गरीबों के लिए भी सरकार कोई अच्छा कदम उठाएगी, ताकि ये अपने घर सुरक्षित वापस चले जाए। इस लॉकडाउन के दौरान हमने पुलिस का एक सख्त रवैया भी देखा, व्यवहार की लोग निंदा भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में। देखिए उन्हें किस प्रकार से दंडित करके सड़क पार करने के लिए कहा जा रहा है। कूद 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 कूद, हम पुलिस का ऐसा रुख देख रहे हैं, लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो आ रहा है वो प्रयागराज के एडीजी पुलिस अधिकारी प्रेम प्रकाश जी का है, जिन्होंने बताया कि वो किस प्रकार से जो लोग भूखे हैं, दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं, उन्हें किस प्रकार से घर में खाना पका के, उनके साथियों के साथ भोजन तैयार करके, जो भी भूखा दिख रहा है उन्हें खाना खिला रहे हैं। जब हम पुलिस का ऐसा चेहरा देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, ऐसे पुलिस ऑफिसर को हमें सैल्यूट करना चाहिए। सर, जिस तरह से प्रशासन ने पहल की है और बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रशासन ने भूखों के लिए किस तरह से व्यवस्था कर रखी है, अब क्या क्या दे रहे हैं और कब तक देंगे? अभी लॉकडाउन होने के कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूर हैं, जिनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो जहाँ से भी हमें सूचना मिल रही है, जिस भी माध्यम से मिल रही है, हमने अपने सभी थानाध्यक्षों को, अधिकारियों को बताया है कि वह स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से या स्वयं डिपार्टमेंट की मदद से उनको भोजन के पैकेट या सूखा राशन पहुंचा दें। अभी सप्लाई लाइन हमारी पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगी, उनको लेकर हमने पूरी व्यवस्थाएँ की हैं कि बाहर से एसेंशियल सप्लाईज आती रहें,
और साथ ही वो ज़रूरतमंदों तक पहुँचती रहे। जहाँ भी पुलिस के पास सूचना आ रही है हम वहाँ पर खाना मुहैया करा रहे हैं। हमने अपने आवास पर ही गरीब लोगों के लिए पैकेट्स की व्यवस्था की है। जहाँ से भी मुझे सूचना मिलती है अपनी गाड़ी में लेकर हम चलना, अपने परिवार के मदद से और अपने स्टाफ की मदद से हम लोग भोजन तैयार करा रहे हैं और पैकेट्स में उसको पैक करके उसके बाद वहाँ क्षेत्रों में जाकर अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचा। थैंक यू सर।